राजधानी सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों सूर्य देव के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों सहित पहाड़ भी तपने लगे हैं और समय से पहले ही प्रचंड गर्मी ने 10 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आने वाले दिनों में इस बढ़ती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी में ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आज कुछ एक स्थान पर मौसम खराब रहेगा, जबकि बुधवार से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे बढ़ते पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है और चटक धूप खिली है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 22 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान अधिकतर हिस्सों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। 23 अप्रैल से फिर मौसम बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश न होने से प्रदेश में तापमान में वृद्धि हो रही है। ऊना में सोमवार को तापमान 41 डिग्री पार कर गया है। प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहा है और आने वाले दिनों में बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि इन दिनों बाहरी राज्यों से गर्मी से राहत पाने के लिए काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी पर्यटकों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। शिमला शहर की बात करें तो यहां भी तापमान 27 डिग्री पार कर गया है। सुबह शाम को हालांकि ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन दिन भर गर्मी से हाल बेहाल है। तो अभी प्रदेश में एक्ट डब्ल्यू अप्रोच कर रहा है और जिसके चलते आज से ही मतलब प्रदेश में मौसम खराब होने की संभावना है। आज के से 19 तारीख को जो एक्टिविटी है बारिश की, वो मिड और हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर होने की संभावना है। फिर ये जो एक्टिविटी है ये 20 तारीख से पिक करेगी और ये 21 तारीख को पूरे प्रदेश में ही अधिकांश इलाकों में मतलब लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है और ये जो मौसम है ये 22 तारीख तक खराब रहेगा और इसके चलते जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे प्रदेश में ही मतलब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है और 20 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है और इसके साथ स्ट्रांग विंड चलने की संभावना है। और तापमान की बात करें तो अभी जो तापमान है हमारे मैक्सिमम वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं पूरे स्टेट की बात करें और जैसे अब 20 तारीख से जैसे ही मौसम एक्टिव होगा हमारे प्रदेश में तो एवरेज 3 से 5 डिग्री फॉल करेगा डे टेम्परेचर। सर देखिए पिछले 24 घंटे का जो अधिकतम तापमान है वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था, वो था 41 डिग्री सेल्सियस और पिछले 24 घंटों में जो हमारे स्टेशन है भुंतर है, मंडी है, ऊना है, सोलन है, यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन रिकॉर्ड की गई हैं और आगामी 24 घंटों में भी जो तापमान में ज्यादा चेंज नहीं आएगा और जो डिस्ट्रिक्ट है ऊना है, मंडी है और कुल्लू है, यहाँ पे एक दो स्थानों में भी हीट वेव कंडीशन होने की संभावना है अभी 24 घंटों में। देखिए इस वर्ष की जैसे बात करें जैसे मार्च में जैसे बात करें तो 13 तारीख के बाद जो हमारे जो तापमान थे ना वो सामान्य से एवरेज 8 से 9 डिग्री अधिक रहे हैं मार्च के महीने में और अभी भी जो टेम्परेचर हैं वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं और बहुत से जैसे स्टेशन है हमारे जैसे मैंने आपको बताया भुंतर हो गया, मंडी हो गया, सोलन हो गया, उन्हें यहाँ पे भी मतलब हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। जो अभी जो एक्टिव डब्ल्यूडी है इसका जो इफेक्ट है प्रदेश में 22 तारीख तक रहेगा, फिर ये जो मौसम है 23 तारीख से इसमें कमी आएगी और फिर 23 तारीख से जो तापमान में फिर से राइजिंग ट्रेंड रहेगा। विक्रांत बधन के रिपोर्ट। मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस, दिनांक 25 अप्रैल 4:30 बजे से, स्थान सेरी मंच मंडी, लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव रक्षपति, डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें